हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? डिवाइड द फॉलोइंग। आज हम पॉइंट्स का डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट्स से कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास 0.14 और डिवाइडेड करते हैं ना 0.7। यहाँ हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2, और यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1। तो अब हमारा कन्फ्यूजन है आज। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये या अब ये हमने किस में, फ्रैक्शन में लिख दिया, भिन्न में लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, 1/1/1 को हम भिन्न में लिख देंगे, क्योंकि एक से आप किसी को भी गुणा करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 1 लगा देते हैं। हमने 1 यहाँ लगा दिया, 1। अब यहाँ इंटू में 1 इंटू 1। अब मैंने देखा ये पॉइंट, पॉइंट बाद कितने डिजिट है, 1, 2। तो यहाँ कितने जीरो लगेंगे, 2। हमें गिननी होती पॉइंट के बाद, ठीक है, दशमलव कितनी संख्याएं हैं तो उतने जीरो यहाँ लगेंगे, और यहाँ कितना है, 1। तो यहाँ का जीरो कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर वाले का नीचे आएगा और नीचे वाले का ऊपर। ये हमेशा से होता है कि जब हमें ऊपर नीचे से पॉइंट हटाना होता है तो ऊपर जीरो ऊपर बढ़ते हैं, और ऊपर से हटाने हो तो जीरो कहाँ बढ़ते, नीचे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से एक जीरो कट सकता है। ठीक है, कट रहा तो हमने काट दिया। फिर हमने देखा 7 से 14 अब कट रहा, अब हम पॉइंट जीरो कुछ नहीं, तो 7 जो कितना हो जाएगा, 14। अब हमारे पास बच क्या रहा, पॉइंट भी हटा रखा, पॉइंट से पॉइंट कट रखा, क्योंकि यहाँ बढ़ा रखे जीरो, कितना बच रहा, 2 बच रहा, और यहाँ कुछ नहीं, क्या बच रहा, 1, और नीचे क्या बच रहा, बिल्कुल 10। ठीक है, अब 2 अपॉन 10। अब फिर मुझे इसको पॉइंट में करना है, क्योंकि अगर हम करेंगे इसको, अगर मैं 10 से इसको अब डिवाइड दूँ तो 2, तो भाई क्या आएगा, पॉइंट आएगा, तो ये 0। पॉइंट जैसे लगता है यहाँ जीरो बढ़ जाता है, तो 10 कितना हो जाएगा, 20। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.2। ठीक है, वो आप इस ढंग से भी कर सकते हैं कि आपका 1 0 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इतने लॉन्ग में नहीं जाना चाहते। फिर हम सेकंड देखेंगे, सेकंड हमारा क्या है, 0.02/1.2। ठीक है, 0.112 है और यहाँ 1.2 है, तो मैंने कहा आप फ्रैक्शन कर, यहाँ फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में 1/1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन में लिखते हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। अब मैंने यहाँ देखा पॉइंट का कितने, 1 संख्या, तो 1 0। यहाँ पॉइंट का कितनी संख्या, 1 2, तो 2 0। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा 12 इंटू 10, और यहाँ बच्चा 12 इंटू 100, 12 से 12 कट रहा, डिवाइड में पूरा कट जाता है, ये तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, और यहाँ नीचे 10 बच रहा। अब डिवाइड करो, 10 से 1 को डिवाइड करो, पॉइंट लगेगा 10, 10 1 जा 10, तो हमारा कितना आंसर आ रहा, 0.01। तो ये ढंग से हमको डिवीजन कर सकते हैं।